नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका Plus 24/7 में। तो आज का जो हमारा मुद्दा है कि पटवारी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी क्या करें, और जो पटवारी परीक्षा में सफल हैं वो क्या करें, और जो असफल हो गए वो क्या करें। आज का वीडियो दोनों के लिए है। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो MP पटवारी हुई है उसकी रिजल्ट भी आ गई है, लेकिन किसी कारणवश अभी जाँच रिपोर्ट नहीं आया है। और जांच रिपोर्ट का क्यों नहीं आया है, इसका कारण मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। आप Plus 24/7 के प्रोफाइल में पटवारी एग्जाम में जा कर के देख सकते हैं कि क्या कारण है कि अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आया है। लेकिन फिलहाल जिनको पटवारी बनने की ही इच्छा है और जो अदर स्टेट में जा सकते हैं, अदर स्टेट में जा कर के नौकरी करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके लिए राजस्थान एक सुनहरा अवसर है जहाँ पटवारी की एग्जाम बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आने वाली है। तो एक चीज़ मान लीजिए कि जो MP में आज पटवारी में असफल उम्मीदवार हैं, तो उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी यही थी कि नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, आप पहले पटवारी के बराबर योग्य बनिए। ठीक है, तो आपको ये होना चाहिए सर्वप्रथम कि जो मध्य प्रदेश का सिलेबस है उसको देखिए, और साथ में जो राजस्थान के प्रीवियस पेपर हुए हैं, ठीक है, वहाँ सिलेबस क्या था उसको आप चेकआउट करिए और अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। तो राजस्थान हो गया, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पटवारी की वैकेंसी आने वाली है। और रही बात मध्य प्रदेश में कब आएगी, तो मध्य प्रदेश में अभी यही वैकेंसी तो क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि अब फिलहाल आप पटवारी की वैकेंसी के लिए मध्य प्रदेश में वही 5 साल तक के लिए भूल जाइए। ठीक है, जब चुनाव होगा उसके पहले ही कोई पोस्ट आएगी पटवारी की, तो आएगी, उसके पहले की अभी कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट यही है कि आप सिलेबस का देखिए कि राजस्थान की सिलेबस क्या है, MP की सिलेबस क्या है, क्योंकि यदि आप लगातार कंटिन्यू स्टडी किए हैं तो आपका जो रिदम है वो भी बना है स्टडी का, और उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपको। ठीक है, यदि आप वहाँ पटवारी के एग्ज़ाम के लिए एग्री नहीं है तो ज़्यादा बेटर है कि आप आने वाले टाइम के लिए टेट का तैयारी करिए। ठीक है, और अदर कोई कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जानकारी जो मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में पुलिस वैकेंसी ज़रूर आने वाली है, और लगभग 4 से 5 हज़ार संख्या पे पुलिस की वैकेंसी आ सकती है MP में, जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है, तो ये फिलहाल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की तैयारी बना कर चल रहे हैं। तो फिलहाल कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि आपको राजस्थान की पटवारी का सिलेबस चाहिएगा तो वो भी कमेंट्स में लिखिएगा। इसके अलावा भी यदि आपकी कोई क्वेरी है कि उत्तर प्रदेश का या कि हर जगह का जो भी सिलेबस की आपको जानकारी चाहिए होगी, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो भी आपका क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।